वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद बिहारी जू की जय। श्री विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ की जय। श्री निताई गौर हरि बो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम् वाग्मयम् अमृतम् जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुलकोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललताश्री विशाखान्विताश्च
आयाम लंबित भुजौ कनकावलापौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशान् वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोन्नरागस्वतः काश्मीरं तविशूलिमुपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतलहरी निर्व्याज मातंगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी कानुनम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक पंचम अंक 11वें श्लोक में पिछले प्रसंग में उत्पन्न कराए थे कि श्री प्रिया जी उनमें अपूर्व प्रेमोन्माद उत्पन्न हुआ है। कृष्ण वियोग में श्री विश्वानंदनी नृकुंजेश्वर जी अपूर्व प्रेमोन्माद में विराजमान हैं और व्याकुल होकर के यदि कोई एक कीड़ा भी कोई भौरा भी उनके पास में आता है तो उस भौरे को श्याम सुंदर का दूध समझ करके उससे टेढ़े वचन कहने लग जाती है। शिवप्रिया में अपूर्व उन्माद जहाँ देखती हैं वहाँ पर इनको प्यारा ही दिखता है और उस समय वृंदावन के जितने भी वृक्ष उन सबों को साक्षी बनाती हैं कि हे वृंदावन के वृक्षों देखो मैंने तो उस चंचल को बहुत रोकने का प्रयास किया तुम साक्षी हो अब कोई मुझे दोष दे तो तुमको गवाही देनी पड़ेगी। ऐसे वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं उनको साक्षी बना रही हैं। कभी भौरे को दूध समझ करके उससे टेढ़े वचन कह रही हैं कभी कहती हैं कि अरे वो प्यारा अभी तक तो यहीं था और अभी अभी कहाँ चला गया वो जरूर मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है उसने कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या जरूर सीख ली है और उस विद्या के कारण वो कहीं मेरे हृदय में ही प्रवेश कर गया इसीलिए उसकी चेष्टाएं मेरे श्रीअंग में कहीं बाहर प्रकट होती हुई चली जा रही है। ऐसे किशोरी जो दिव्य उन्माद दशा में पागल हो रही हैं विफल हो रही हैं। श्री विशाखा इतने में ही प्रवेश करती है और विशाखा उस समय पत्रिका जो है वो ललिता जी को देती है कि ये पत्रिका थी कल के प्रसंग में निरूपण करके उस पत्रिका में श्री ललिता जी ने अन्योक्ति अलंकार के द्वारा ये निरूपण किया। अन्योक्ति अलंकार में जितनी भी तर्जा होती हैं जितनी भी पत्रिकाएं होती हैं उन पत्रिकाओं को तर्जा की भाषा में ही लिखा जाता है। तर्जा एक पारभाषिक शब्द है जहां पर संकेत में कोई चीज कही जाए वो अन्योक्ति अलंकार में ही होता है। अब जैसे श्री अद्वैताचार्य जी श्री महाप्रभु को जब अंतर्धान होने के लिए आप प्रेरणा प्रदान करते हैं महाप्रभु का आविर्भाव करने वाले भी श्री अद्वैताचार्य और महाप्रभु का जब विसर्जन कराना है तो जैसे देवता का आह्वान होता है और देवता का विसर्जन होता है तो विसर्जन जैसे कराना है महाप्रभु की लीला का संवरण कराना है तो संवरण कराने के लिए भी श्री अद्वैताचार्य कोई तर्जा लिख करके कोई अन्योक्ति में एक पंक्ति लिख करके श्री महाप्रभु के पास में भेजते हैं
कि पागल पागल से कहता है, बाउल बाउल से कहता है कि अब बाजार में चावल नहीं बिक रहे हैं, चावल भरे पड़े हैं, इसलिए इन चावलों का क्या होगा, ये अब ये चावल नहीं बिक रहे हैं। और ये कहकर के मामले कह रहे हैं कि आप जिस प्रेम रूपी भोग्य पदार्थ का जगत को दान देने के लिए अवतरित हुए, उस प्रेम का पूरी तरह से आपने दान कर दिया है, अब इस प्रेम को दान करने के लिए पृथ्वी के ऊपर अब आपको विराजमान होने की अब साक्षात आवश्यकता नहीं है। तो जैसे तर्जा में ये बात कही, उसको तर्जा कहा गया, वो तर्जा का तात्पर्य है माने अन्योक्ति में, तो अन्योक्ति अलंकार में अन्योक्ति के माध्यम से जैसे कोई बात, ऐसे ही यहां पर भी श्री वृंदाजी ने श्याम सुंदर को, श्री राधारानी को और ललता को, श्याम सुंदर को नहीं, राधारानी और ललता को, इन दोनों को कहीं अन्योक्ति अलंकार में ये शिक्षा प्रदान की कि भोरा तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है ही, मित्र है, परम बंदनीय है, सुंदर है, परंतु ये माधविका, माधवी लता अपने शाखा को हिला करके, अपनी डाली को हिला करके बेचारे उस भोरे को बार बार भगा देती है। अब भोरे का क्या दोष, यदि वो भगा रही है तो भोरा तो उड़ के जाएगा ही, परंतु कौन इस माधविका को समझाए कि तू अपना ही दोष कर रही है, अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि भोरा को जब तुम बार बार हटाओगी तो वो भोरा को अरविंदनी कमलनी उनके ऊपर तुमको त्याग करके कमलनी के ऊपर चला जाएगा, तो नुकसान तो तुम्हारा होगा, उस माधविका का होगा, क्योंकि माधविका का त्याग करके वो भोरा कमलनी के ऊपर चला जाएगा। और संकेत में कहना चाह रही है कि अरे सखी, ज्यादा यौवन के जोन में, यौवन के मद में मतवाली मत रहे, ये यौवन है, ये तो अंजुली का पानी है, ये यौवन अंजुली को पानी, हाथ में लिया हुआ जैसे पानी टिकता नहीं है, हाथ में कोई रेत ले तो हाथ की रेत जैसे टिकेगी नहीं, वो झर जाएगी, बह जाएगी, इसी प्रकार मुट्ठी में ली हुई रेत जैसे नहीं टिकती है, ऐसे ही ये जो यौवन है ये टिकेगा क्या, लौकिक लीला में, ये लौकिक लीला की तरह से शिक्षा है, अन्यथा वहां पे तो नित्य यौवन है, नित्य कैशोर विराजमान है, वहां पे तो है, परंतु उपदेश देते समय यही कहेंगे कि जाता कहीं मत कर, तो वो ही कह रही है कि तस्या खलु क्षतियं सुषमा क्षयनो, उसकी ही उस माधविका की क्षति हो रही है, उसका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब सुषमा का क्षय हो जाएगा, शोभा का क्षय हो जाएगा, तो वो भोरा को अरविंदनियों के साथ में विलास करने के लिए उड़ जाएगा। ऐसे श्री वृंदा ने जब अन्योक्ति अलंकार के द्वारा कही बात, उपदेश प्रदान किया है, श्री राधे का उस उपदेश को स्वीकार करते हैं, सुन करके जैसे होश आ जाता है, और सब छात्र विषाद करते हुए कह रही हैं कि अजन विमुख शंके पंके रोहाक्ष विचक्षण मैं मधुरपुर दोष श्रेणी विहार वन श्रिया अकलित रस सूची विद्धो रज पुष्रांगधि न मधुपिवा किम के तक्या विरक्तिम उपैष्यति। कि पंके रोहाक्षी, पंके रोह माने कमल, पंख माने जो जल में या कीच में उत्पन्न हो, पंख में उत्पन्न हो, पंख माने कीच या जल, और उसमें रोह माने उत्पन्न होने वाला माने कमल, पंके रोह माने कमल, अरे पंके रोह अक्षी कमल के समान नेत्र वाली, अरे ललता अजन विमुख शंके विचक्षण, मालूम होता है वो विचक्षण श्याम सुंदर, परम चतुर श्याम सुंदर मुझसे विमुख हो गया है, अजन विमुख शंके, शंके माने मैं ऐसी आशंका करती हूं कि
वो श्री श्याम सुंदर मुझसे विमुख हो गए हैं। सखी प्यारे शायद अब नहीं आए, देख वृंदा ने ये पत्रिका लिखी, हो सकता है प्यारे अब मेरे पास में नहीं आए, प्यारे मुझसे विमुख हो गए हों और कहीं किसी दूसरे निकुंज में चले गए हों। मैं मधुरपुर दोष श्रेणी विहार वन श्रेयाम, आई मैं तो दोष श्रेणी विहार वन श्रेयाम, दोष की श्रेणी दोष की पंक्ति उनके विहार की मैं तो शोभा वाली हूं, माने सारे दोष आकर के मुझ में ही विहार करते हैं, मैं सारे दोषों के विहार करने की सेंचुरी होकर के विराजमान हूं, विलास स्थान विहार स्थान होकर के विराजमान हूं। जैसे किसी निर्भय स्थान में अभयारण्य में जैसे कोई पशु पक्षी रहते हैं, बोल भाई ये लायन सफारी है, लायन सेंचुरी है, उसमें शेर शेर रहेंगे, ये हरणों की है, तो जैसे तो मैं सारे दोषों के विहार करने की वनश्री धारण करने वाली होकर के मैं विराजमान हूं, हर सारे दोष मुझ में है, ये दीनता की पराकाष्ठा, संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी अपने आप को अत्यंत अत्यंत दीन करके श्री स्वामी मान रही हैं। ऐसी मेरे प्रति वे मधुरूप जरूर अलि सखे विमुख हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। अकलित रस सूची विद्धो रजत पुसरांग भी न मधुपयोगा किम केतक के अभ्यरक्तिम उपैष्यति, अरे केतकी की यही दशा होती है, क्योंकि केतकी रस तो देती नहीं है, केतकी की जो लता है वो रस तो देती नहीं है, उसमें तीन दोष है, अकलित रसा वो घोड़े को रस तो पिलाती नहीं है, उसमें कांटे होते हैं तो सूची विद्धा घोड़े को कांटों से सूचीबिद्ध कर देती है, वो छेद देती है, और रजत प्रसरांग भी, और वो रज पराग कण उनको ज्यादा झराती है, तो रज को फैलाने के कारण कांटों से घोड़े को छेदने के कारण और रस को प्रदान न करने के कारण जब केतकी ज्यादा ऐंठ दिखाएगी तो उसकी ज्यादा ऐंठ ज्यादा भाव खाने पर फिर तो न मधुपेदा युवा किम केतक क्या विरक्त में पाई थी, वो मधुप युवा माने वो भोरा क्या केतकी से विरक्ति धारण नहीं कर लेगा। इसी भाव को किन्हीं कवि ने ये निरूपण किया कि चंपा तो में तीन गुण रूप रंग और बास, अवगुण तो में एक है भ्रमर ना आवे पास, कुछ इसी तरह से मिलता हुआ जो भाव है उसी भाव को निरूपण कर रहे हैं कि अकलित रस जब भोरा उससे उस केतकी से रस को प्राप्त नहीं करता है और सूची विद्धा उसके कांटों से वो छिल जाता है और रजत प्रसरांग भी और उसकी रज से उसकी पराग कणों से भोरों की आंखों में भी जब रज भर जाती है तो फिर क्या करेगा बेचारा भोरा को जाएगा ही, तो क्या मधुपयोगा वो भोरा केतकी से विरक्ति प्राप्त नहीं करेगा। मानो ये कह रही है बोले अलि सखे विश्व श्याम सुंदर भी मुझसे जरूर विरक्त हो गए होंगे, ये दृष्टांत अलंकार के द्वारा यहां पर पहले जो बात कही उसी को दृष्टांत के द्वारा निरूपण कर दिया। दोबारा अजन विमुख शंके, शंके माने मैं ऐसी आशंका करती हूं कि विचक्षण श्याम सुंदर हैं परम रसिक चतुर और वे मधुरूप, वे सारे दोषों को दूर करने वाले मधुरूप माने वे माधव होकर के विराजमान हैं, मधु दैत्य का वध करने वाले अथवा गोपियों के माधुर्य का पान करने वाले होकर के वे विराजमान हैं, परंतु अरे पंके रोहाक्षी अरे कमल सरी के नेत्र वाली ललता मालूम होता है, ऐसी शंका करती हूं कि वे श्री श्याम सुंदर विमुखा अजनी मुझसे विमुख हो गए हैं, और दोष श्रेणी विहार वन श्रेयाम मैं मुझ में अब उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं दोष की श्रेणियों के
बिहार वाले बिहार बन के समान हूँ, अर्थात सारे दोष मुझ में एक साथ आ गए हैं। मैं दो श्रेणी की बिहार की शोभा से युक्त होकर के बन की शोभा को धारण करने वाली हूँ, जिसमें सारे दोष विराजमान हैं। ऐसे मुझसे श्री श्याम सुंदर विमुख हो गए हैं, क्योंकि रस को न पा करके अकलित रसा सूची विद्या कांटे से बिद्धो बिद्धो होकर के और रजत प्रसरांगधि जैसे पराग कणों से अंधा होने के कारण वो मधुपयुवा केतकी किसे विरक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर के श्री प्रिया में कलहांतरिता नायिका अवस्था उत्पन्न हो जाती है। कलहांतरिता उस नायिका को कहते हैं जो पहले तो प्यारे का मान करते हुए अपमान कर दे और प्यारे को दूर हटा दे, और प्यारा जब दूर चला जाए तो व्याकुल हो जाए। सो आज वो ही कलहांतरिता अवस्था को प्राप्त करके श्री प्रिया दुखी हो रही हैं और विषाद प्रकट कर रही हैं कि आज मैंने ऐसा क्यों किया, विकल हो रही। कौन मासी जी कह रही हैं कि बेटी राधिका, अपौर्ण मासी जी सामने निकल आई और आकर के कह रही है बेटी राधिका समाश्वसी समाश्वसी धैर्य धारण कर। तब उत्कंठां तर्कित्वा मया कृष्ण प्रवृत्तिं विज्ञातुं नान्ति मुखी प्रेषितास्ति। मैंने तेरी उत्कंठा की पहले ही कल्पना कर ली थी और श्री कृष्ण कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हालचाल जानने के लिए, उनकी प्रवृत्ति जानने के लिए मैंने नांदी मुखी को पहले ही दौड़ा दिया है कि देख क्या श्याम सुंदर कहाँ है, अभी नांदी मुखी आती ही होगी। श्री पौर्णमासी जी दीना में योग माया है और योग माया का स्वरूप है दुर्घट घटना पतियसी शक्ति, जो दुर्घट घटना करते उसका नाम योग माया है। लीला शक्ति का है लीला तत्चार विक्रीड़ा। लीला की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी जी ने दी है कि जो चार विक्रीड़ा कराने वाली, चार क्रीड़ा कराने वाली उसका नाम है लीला। श्री वृंदाजी है लीला शक्ति, श्री योग माया है यहाँ पर पौर्णमासी जी है योग माया शक्ति, और श्री यमुना और श्यामला ये है कृपा शक्ति। तो ब्रज में यमुना वृंदा और पौर्णमासी जी ये तीन प्रमुख होकर के विराजमान। कहीं भी कृष्ण कथा होगी वृंदा जी को पधराया जाएगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही लीला स्फुरित होगी। श्री यमुना जी की वंदना, यमुना जी का स्मरण, पुष्ट मार्ग में तो यमुना जी और श्रीनाथ जी बहुत ज्यादा सारे, तो यमुना जी कृपा शक्ति होकर के विराजमान। तो कृपा शक्ति का, पुष्टि शक्ति का आश्रय, और श्री पौर्णमासी जी उनके द्वारा ही साधक को स्वरूप की प्राप्ति होगी, योग माया के द्वारा ही लीला में प्रवेश और भाव सिद्धि उनको प्रदान किया जाएगा। तो श्री पौर्णमासी जी योग माया होकर के विराजमान और वे इस तरह से धैर्य दे रही हैं। अपौर्णमासी जी दुर्घटना करने के लिए पहले से तैयार हैं कि मैंने दौड़ा दिया है नांदी मुखी को। पौर्णमासी कह रही है कि नहीं चंद्रे चंद्र काया मोक्ष कदाप संभवती। चंद्र चांदनी को कभी भी छोड़ नहीं सकता है। पौर्णमासी जी कह रही है कि अरे सखी धैर्य धारण कर, धैर्य धारण कर, मैंने तेरी उत्कंठा को देख करके पहले ही नांदी मुखी को भेज दिया है। इतने में ही नांदी मुखी जी प्रवेश करती है, नांदी मुखी का नाम लिया और नांदी मुखी जी उधर आ गई और कह रही है कि मृदुरक निसर्ग तस्त्वम कथम आर्द्रे माधवे कठोरासी अथवा नवनीत पुटी हिमद्रवे कक्षिता प्रेक्षी। के मुद्रक निसर्ग तस्व आर्दे माधवे कठोरासी के स्वभाव से ही तू श्री राधिका से कह रही है कि मृदुरक निसर्ग तस्वम तू स्वाभाविक रूप से ही कोमल है, परंतु क्यों अरे आर्द्रे अरे सरल
माधव में कठोर आसी, माधव के प्रति तू इतनी कठोर क्यों हो रही है? अथवा जान गई कि माखन की यदि लोनी को भी कहीं ज्यादा ठंड में रखा जाए तो माखन की लोनी वो भी तख्ता परीक्षी कठोर हो जाती है। ऐसे ही ये कहने का तात्पर्य है, ललता के साथ में तुम कठोर हो गई हो, ललता का ज्यादा संग करने से तुम कठोर हो गई हो और मान को नहीं छोड़ रही हो। दृष्टांत बड़ा सुंदर कि जैसे माखन की लौनी होती बड़ी कोमल है परंतु यदि उसको भी बर्फ में रखा जाए तो वो भी कठोर हो जाती है, ऐसे ही ललता के साथ में रहते रहते तुम भी एकदम कखड़ा परीक्षी कठोर हो गई हो। अन्यथा मृदुरपि निसर्ग तत्त्वम्, तुम तो स्वभाव से ही श्री राधिके परम कोमलांगी होकर के विराजमान। श्री राधिका कह रही है हला अपिनाम शोहम वर्तते माधव। अब देखिए ये सुजल्प, सुजल्प जहां 10 जल्प वचन कहे गए धर्मगीत में, सुजल्प प्रतिजल्प अनुजल्प आजल्प विजल्प अनुजल्प, उनमें सबसे अंत में 10वां एक आता है उसका नाम है सुजल्प। सुजल्प उसे कहते हैं जहां पर पहले तो टेढ़े वचन कह रहे हैं और फिर प्यारे के कुशल पूछने लग जाए, उसका नाम है सुजल्प। तो यहां पर श्री किशोर जी जो सुजल्प वचन कहते हुए कह रही है कि अपनाम शोहम वर्तते माधव, बोले अभी नांदी मुखी माधव को देख करके आई है, माधव कुशल पूर्वक तो है, जैसे रास में पूछ रही है कि अपेवत मधुपुरियां आर्य पुत्रो धुनास्ते, मधुपुरी में आर्य पुत्र कुशल पूर्वक तो है, ऐसे यहां पर पूछ रही है कि आर्य कुशल पूर्वक तो है। श्री नांदी मुखी जी उस समय श्याम सुंदर की दशा का वर्णन करती है कि क्षण अपने श्रोतृ को नर्म गोष्ठी विदत्ते। श्याम सुंदर की दशा का क्या वर्णन करूं सके राधिके सुन, श्याम सुंदर क्षण अपि एक क्षण के लिए भी न श्रोतृ अपने मित्रों के साथ में नर्म गोष्ठी विदत्ते परहास हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी वे परहास नहीं करते हैं, नर्म गोष्ठी नहीं करते। रचयति नचचूर्णां चंपकानां चयनो, वे चंपे के समूह से अपने चूड़ा को भी माने मस्तक का श्रृंगार भी चंपे के द्वारा नहीं कर रहे हैं, अर्थात उनको इस समय अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लग रहा है। अभिसार के समय श्याम सुंदर कितने श्रृंगार करके आते हैं, बड़ी प्रसिद्धि है कि जलधारा प्रिय शंभु, नमस्कार प्रिय भानु, सूर्य नमस्कार ज्यादा पसंद करते हैं, जलधारा प्रिय शिव, शिव जल की धारा को ज्यादा पसंद करते हैं, और अलंकार प्रिय कृष्ण, श्री कृष्ण श्रृंगार को ज्यादा पसंद करते हैं, और ब्राह्मण हो मधुर प्रिय, ब्राह्मण को लड्डू चाहिए। तो ये नीति में प्रसिद्धि है, तो श्री कृष्ण तो अलंकार प्रिय होकर के विराजमान है परंतु फिर भी रचित नचूड़ाम चंपका नाम चयनो, वे चंपक के समूह से अपना श्रृंगार भी नहीं कर रहे हैं। और परम यह मुरवेरी योग एवं मुक्त भोग, श्री श्याम सुंदर आज योगी की तरह से सारे भोगों का त्याग करके वे मुरवेरी, वे मुर नाम करके जो असुर उनके साथ में बैर करने वाले अथवा मुर माने विरह उसको दूर करने वाले, लीला में मुरवेरी का अर्थ है विरह को दूर करने वाले, मुरली का लीला में अर्थ है श्री विठलनाथ जी मुरली शब्द का अर्थ करते हैं कि मुरा माने विरहम लीनम करोति सा मुरली, जो गोपियों के विरह को लीन करे उसका नाम मुरली। वैसे वो जो मुरारी शब्द है उस मुरारी शब्द का अर्थ होगा कि मुर नाम करके कोई दैत्य था उसका जिन्होंने वध किया, तो यहां पर वो मुरारी शब्द जो है परम यह मुरवेरी। अब वैसे भी वीर रस श्रृंगार रस का सहायक होता है, इसलिए वीर रस के जो विशेषण है वो श्रृंगार रस को उल्टा बढ़ाने वाले होकर के विराजमान।
तो परम ही मुरबेरी योगिवन मुक्त भोगा। आज वे मुरारी योगी की तरह से सारे भोगों को त्याग करके तब सखी मुखचंद्रम चिन्हयम निर्विण होती, तुम्हारे मुखचंद्र का ही चिंतन करते हुए निर्विण होती अपूर्व आनंद को प्राप्त कर रही है। निवृत्ति उनको प्राप्त करते हुए विराजमान हो रही हैं। दो शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत में, एक होता है निवृत्ति, एक होता है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति निवृत्ति का तात्पर्य है आनंद और निवृत्ति का तात्पर्य है किसी वस्तु को छोड़ना। तो श्री शास्त्र निर्वृणोति माने अपूर्व आनंद को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे। तिरमुख श्री राधिका उस समय विशाखा का आलिंगन कर लेती है और आलिंगन करके कहती है कि अभी सखी तुम लोगों के उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकती। सखियों को कितना श्री किशोरी जी कितना सखियों को आदर दे रही है और कह रही है अरे सखे मैं तेरे उपकार को भूल नहीं सकती हूं। सखे क्या करूं, मैं बार बार तुम लोगों को इतना दुख देती हूं परंतु फिर भी तुम कितने उदार हो कि मेरे प्रति सर्वदा सर्वदा करुणाशालिनी होकर के मेरे दुख को दूर करने का तुम प्रयत्न करती हो। भूयो भूयो कल विकसत साप राधा पे राधा श्लाघ्येणाहं यदग रूपणा बाढ़ मंगी कृतास्मी तत्तत् क्षामोदर किम परम कारणं बस सखी नाम दत्ता मोदाम प्रगुण करुणा मंजरी मंतरेण। सखी के प्रति अत्यंत अत्यंत आत्मीयता प्रकट करते हुए और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए श्री राधिका कह रही हैं कि अरे सखी मेरी दुष्टता देख, मेरी कठोरता, मेरे दोष का दर्शन कर कि भूयो भूयो कल विदस्तई मैंने बार बार प्यारे के साथ में कलह करके कल विदस्तई माने झगड़ा करके कलह करके प्यारे के साथ में साप राधा पे राधा मुझे राधा ने न जाने कितनी बार अपराध किए हैं। भूयो भूयो कल विलसतई प्यारे के साथ में झगड़ा करते हुए साप राधा की न जाने कितनी बार मैंने अपराध किए हैं परंतु ऐसी अपराधिनी राधा को भी अरे सखी तुम नहीं होती तो श्लाघ्येण अहम यदक रूपणा परम श्लाघ्य जो श्याम सुंदर प्यारे के गुणों का क्या वर्णन किया जाए। परम श्लाघ्य जो श्याम सुंदर हैं प्रशंसनीय श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर के द्वारा तुमने मुझे बार बार अंगीकार करवाया। मैं तो प्यारे का बराबर झगड़ा करके कलह करके उनसे रूठ करके मांग करके अपराध करती रही परंतु फिर भी तुम